हमारी धरती एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर आपको बेहद गर्मी से लेकर बर्फ की तरह ठंडी जगह देखने को मिल जाएगी, लेकिन उन ठंडी जगहों के जीवों को अगर हम किसी हाई टेम्परेचर वेदर कंडीशंस में रखें तो उस जीव के लिए जिंदा रह पाना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या दुनिया में कोई ऐसा जीव या प्राणी नहीं है जो इतनी गर्मी के साथ साथ नॉर्थ और साउथ पोल के वेदर कंडीशंस में भी आराम से जिंदा रह सके? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा ही एक जीव इस दुनिया में मौजूद है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जीव आप, मैं और हम सभी के बीच मौजूद है। अब आप बोल सकते हो कि यार ये क्या बकवास कर रहा है, अगर ये जीव इतना ही कॉमन होता तो आज तक हमें जरूर पता चल जाता। तो इसीलिए वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इससे आपको इस जीव से जुड़ी जितनी भी इन्फॉर्मेशन और डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस जीव का नाम है टार्डिग्रेड और इस जीव की खोज जर्मन जियोलॉजिस्ट जोहान ऑगस्ट ने 1773 में की थी। इस जीव की सहन शक्ति के बारे में जानकर आप हैरान हो जाओगे। ये जीव आकार में 0.5 से 1 मिलीमीटर तक ही होता है। इनके छोटे 8 पैर होते हैं और इनका खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम भी मौजूद है। अब ये तो काफी हद तक धरती के कुछ छोटे जीवों की तरह लग रहा है, राइट? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी प्लेनेट अर्थ की सबसे लोएस्ट टेम्परेचर वाली जगह ओमनियाकोन, जहाँ का एवरेज टेम्परेचर -50°C है, वहाँ पर ये जीव आराम से जिंदा रह सकता है। एक्चुअली ये टेम्परेचर इस जीव के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे कि हमने बचपन में पढ़ा था कि -273°C को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है, क्योंकि इस टेम्परेचर में तो एटम्स के मोशन में भी रुकावट लग जाता है। लेकिन इससे सिर्फ 1 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर में भी ये जीव अपने आप को जिंदा रख पाते हैं। इतना ज्यादा ठंडी सहने का ये मतलब नहीं बनता कि टार्डिग्रेड सिर्फ लो टेम्परेचर में ही जिंदा रह सकता है। नॉर्मली पानी बॉयल होता है 100°C में, लेकिन टार्डिग्रेड 150°C टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकता है। समुद्र की सबसे गहरी जगह मरियाना ट्रेंच में जो पानी का दबाव या प्रेशर होता है वो समुद्र के नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 1000 गुना ज्यादा होता है। वहाँ पर भी इतने भयानक दबाव को ये जीव आराम से झेल सकता है। इसके अलावा टार्डिग्रेड का शरीर ह्यूमन बॉडी से 100 गुना ज्यादा आयोनाइजिंग रेडिएशन को सहन करने की शक्ति रखता है। लेकिन इस जीव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि टार्डिग्रेड बिना खाने पीने के लगभग 40 साल तक जिंदा रह सकता है। बिना खाने पीने के इतने साल तक जिंदा रहने के प्रोसेस को साइंटिस्ट क्रिप्टोबायोसिस कहते हैं। इस कंडीशन में टार्डिग्रेड अपने शरीर के सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को बंद करके अपने शरीर को डिहाइड्रेट कर देता है, यानी पानी की मात्रा को बेहद कम कर देता है, जिस सिचुएशन में इसके शरीर में सिर्फ 3% पानी होता है। इस कंडीशन में इस जीव को किसी भी प्रकार की एनर्जी की जरूरत नहीं होती है और ये जीव इसके बाद लगभग 40 साल हाइबरनेशन या गहरी नींद में जा सकता है। और परिस्थिति अनुकूल होने पे टार्डिग्रेड्स अपने शरीर को फिर से रिहाइड्रेट करके मेटाबॉलिक प्रोसेस को शुरू कर देता है और फिर से ये खाने की तलाश में निकल जाता है। टार्डिग्रेड्स प्लांट सेल में मौजूद फ्लूइड्स, बैक्टीरिया और अपने आकार से छोटे टार्डिग्रेड्स को खाते हैं। इन जीवों का लाइफ स्पैन 100 साल से भी ज्यादा होता है। 2007 में नासा हजारों की संख्या में इन टार्डिग्रेड्स को स्पेस में ले गया था और इन्हें खुले अंतरिक्ष में आयोनाइजिंग सोलर और गैलेक्टिक कॉस्मिक रेडिएशन के बीच में रखकर देखा गया कि क्या ये जीव रेडिएशन में भी जिंदा रह सकते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि इनमें से काफी टार्डिग्रेड इस वैक्यूम स्पेस में इतना ज्यादा रेडिएशन के बावजूद जिंदा था। तो जरा सोचिए, स्पेस ऐसी जगह है जहां पर ना तो पानी है और ना ही हवा और ऊपर से जानलेवा रेडिएशन, इसके बावजूद ये जीव बिल्कुल सुरक्षित और जिंदा पाया गया था। कहा जाता है ये टार्डिग्रेड्स इस दुनिया का सबसे पुराना जानवर है। इतना अलग अलग खतरनाक कंडीशंस में सर्वाइव करने के कारण इन जीवों का डीएनए बहुत अजीब और दुनिया के बाकी और जीवों से एकदम ही अलग है। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि ये जीव हमारे ही बीच मौजूद है, लेकिन साइज में बहुत छोटा होने के कारण हम इसे नहीं देख पाते हैं। ये जीव ज्यादातर काई या शैवाल में पाए जाते हैं। अगर आपके घर के आसपास कहीं पे काई जमी हुई है तो वहाँ पर टार्डिग्रेड पाए जाने का चांसेस काफी ज्यादा है। तो अगर आप टार्डिग्रेड को देखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको कुछ काई कलेक्ट करना होगा, जिसे एक डिश में पानी के साथ डुबो के कुछ घंटों तक रखना होगा और उसके बाद काई को उस डिश से निकाल कर उस काई के अंदर मौजूद सारे लिक्विड्स को निचोड़ के किसी ट्रांसपेरेंट डिश में रखना होगा। और उसके बाद आपको जरूरत होगी तो सिर्फ एक माइक्रोस्कोप की, जिसके सहारे आप टार्डिग्रेड को उस डिश या प्लेट में जरूर देख पाओगे। लेकिन ये टार्डिग्रेड्स इतने कम तापमान और इतनी गर्मी में कैसे जिंदा रहता है? क्योंकि बेहद कम तापमान में किसी भी जीव के सेल या कोशिकाओं में आइस क्रिस्टल बनने लगता है, जिससे ये कोशिकाएं जमकर टूटने लगती है। लेकिन पानी में मौजूद ज्यादातर जीव अपने शरीर में एंटीफ्रीज लिक्विड बना लेती है, जिससे बर्फ के जमने का पॉइंट 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। लेकिन टार्डिग्रेड्स में ऐसी एंटीफ्रीज लिक्विड नहीं मिली है। साइंटिस्ट का मानना है कि टार्डिग्रेड्स अपने शरीर में बर्फ से होने वाली क्षति को एंटीऑक्सीडेंट बनाकर ठीक कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ 150°C में, जहां पर सेल मेम्ब्रेन पूरी तरह से जलकर बिखर जाता है, वहां पर भी टार्डिग्रेड जिंदा रहता है। लेकिन विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। इस तापमान में किसी भी सेल मेम्ब्रेन के लिए सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और साइंटिस्ट
टार्डिग्रेड के इस खूबी के पीछे के साइंटिफिक रीजन को ढूंढने में लगे हुए हैं, जो हो सकता है भविष्य में हम इंसानों के लिए मददगार साबित हो और हम सभी ऐसे भयानक परिस्थिति में जिंदा रह सके जहाँ पर इतने खतरनाक वेदर कंडीशंस में सर्वाइव करना इस दुनिया में और किसी भी जीव के लिए नामुमकिन है। वही टार्डिग्रेड इस सिचुएशन में आराम से जिंदा रह सकता है। ये जो स्पेशल एबिलिटी टार्डिग्रेड के पास है, उससे क्या आपको ये नहीं लगता कि ये टार्डिग्रेड इस दुनिया का है ही नहीं? और क्या ये जीव एलियन लाइफ की ओर इशारा करता है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।